हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एमीज फंडा। आज हम बनाने जा रहे हैं चाइनीज भजिए, जिसे हम चाइनीज पकोड़े भी कहते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ हमने इसे किस तरीके से बनाया है और इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमने ले लिया है आधा किलो कैबेज, जिसको हमने छोटे छोटे चॉप कर लिया है, और दो बड़े चम्मच मैदा लगेगा और एक बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर लगेगा। और हम यहाँ डाल रहे हैं येलो कलर 1/4 चम्मच। आप चाहे तो दूसरा भी कोई कलर यूज़ कर सकते हैं। और डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, हमने 1 चम्मच यूज़ किया है नमक। और 1/4 चम्मच डालेंगे अजीनोमोटो। अजीनोमोटो आप स्किप भी कर सकते हो अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो। और 1 ढक्कन विनेगर यूज़ करेंगे। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। जैसे ही ये सब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, फिर हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करके इसे मिक्स करेंगे। आप देख रहे हैं हमारे चाइनीज भजिए का कलर येलो है। कॉमनली आपको हर जगह रेड कलर मिलेगा, बट हमने यहाँ येलो कलर कुछ यूनिक ट्राई करने के लिए यूज़ किया है। अब आप देख सकते हैं हमारे भजिए का बैटर यहाँ तैयार है। हमने यहाँ पे लगभग 1/4 ग्लास पानी भी यूज़ नहीं किया है, बहुत कम मात्रा में पानी यूज़ किया है। और अब बैटर तैयार हो चुका है, तो हम इसे अभी 2 घंटे के लिए ढक कर ऐसे ही रख देंगे। 2 घंटे के बाद हमारा बैटर यहाँ थोड़ा फूला हुआ दिख रहा है, तो अब हम इसे तल लेते हैं। हमने यहाँ तेल गर्म कर लिया है और अब हम इस पर बैटर थोड़ा थोड़ा करके डाल देते हैं। हमने नॉर्मल साइज में ही यहाँ पे भजिए बना रहे हैं। अगर आपको जो साइज में भजिए चाहिए, आप वो हिसाब से यहाँ पे बैटर को डाल सकते हैं। हमने यहाँ गैस की फ्लेम को मीडियम रखा है। अगर हम फास्ट में इसे पकाते हैं तो ये बाहर से तो पक जाएगा, बट अंदर से ये कच्चा ही रहेगा। इसलिए आप खासतौर पर ध्यान दें कि गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखें। हमारे भजिए यहाँ नीचे से पक गए हैं, तो हम इसे टर्न कर लेते हैं। गाइस, आपको ये रेसिपी कैसी लगी है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ताकि आप तक नोटिफिकेशन आते रहे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। गाइस, हम इसे सर्व करेंगे शेजवान के साथ। आपको अगर शेजवान की रेसिपी चाहिए तो आप ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं शेजवान की रेसिपी हमने शेयर करी है। अब मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।